तो फ्रेंड्स, अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक के यूजर हैं तो आपके लिए काफी अच्छी अपडेट है माइक्रो एटीएम के ऊपर। अभी जो माइक्रो एटीएम ब्लैक वाला आ रहा था फिनो पेमेंट्स बैंक का, उसमें काफी सारा प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि मैं जब भी माइक्रो एटीएम खरीदता हूँ तो 20-25 माइक्रो एटीएम एक बार खरीदता हूँ। जब भी मैं 20-25 माइक्रो एटीएम खरीद रहा था, उसमें एक न एक माइक्रो एटीएम में प्रॉब्लम आ ही जाता। किसी में बैटरी का प्रॉब्लम, बैटरी बैकअप नहीं दे रही है, किसी में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, किसी में डिवाइस कनेक्ट ही नहीं हो रही है, तो किसी में टेम्पररी डिवाइस का प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब काफी ज्यादा समस्या आ रही थी जो ब्लैक वाला माइक्रो एटीएम आ रही थी। लेकिन अभी हमारे पास जो ब्लैक वाला माइक्रो एटीएम आया है, जैसे कि पहले जो माइक्रो एटीएम आती थी पूरी की पूरी प्लास्टिक में थी, यानी कि फाइबर बॉडी में आती थी, और अभी जो माइक्रो एटीएम आया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल मेटल बॉडी में है। ये जो व्हाइट वाला आप देख रहे हैं बिल्कुल मेटल का है, और पीछे भी यह देख रहे हैं ये भी बिल्कुल मेटल का है। और पहले की जो माइक्रो एटीएम था उसकी अपेक्षा काफी वजन भी है, यानी कि दोगुना वजन है। तो इसमें वो सारी समस्या को दूर कर दी गई है। जो समस्या आ रही थी वो इसमें आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो अगर आप फिनो पेमेंट्स में की माइक्रो एटीएम लेना चाहते हैं तो आपके लिए गुड अपडेट है कि अब माइक्रो एटीएम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपको बैटरी बैकअप भी अच्छी देगी, प्लस में उसकी अपेक्षा काफी स्ट्रांग है क्योंकि ये मेटल बॉडी में आ गई है। और इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे तो जो पहले वाला माइक्रो एटीएम था, यहाँ पर डिवाइस को ऑन करने के लिए जो रेड वाला बटन था इसको दबाना पड़ता था, लेकिन अभी इसमें एक यहाँ पर बटन आपको दिख रहा होगा छोटा सा, इस बटन को दबाएंगे तो ये जो डिवाइस है यहाँ पर ऑन हो जाता है इस तरह से। दूसरी अपडेट, जैसे कि आपको पता है कि फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर एक और माइक्रो एटीएम लॉन्च हुआ है व्हाइट कलर, लेकिन ये जो D180 डिवाइस है ये कंप्यूटर और मोबाइल दोनों को सपोर्ट करता है, और जो व्हाइट वाला डिवाइस है वो सिर्फ मोबाइल पे सपोर्ट करता है, यानी कि कंप्यूटर पर सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों का समस्या थी क्योंकि उनको कंप्यूटर पर भी काम करना है और मोबाइल पर भी काम करना है। तो उसी समस्या को देखते हुए यहाँ पर उसकी न्यू अपडेट आई है कि अब से जो व्हाइट वाला डिवाइस आएगी वो भी कंप्यूटर और मोबाइल दोनों को सपोर्ट करेगी। मतलब अभी तक जो डिवाइस है वो तो सिर्फ मोबाइल में ही सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब जो डिवाइस आएगी वो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों को सपोर्ट करेगा, जैसे कि ये ब्लैक वाला सपोर्ट करता है। तो ये दो अपडेट काफ़ी अच्छी है। पहला कि ये जो ब्लैक में प्रॉब्लम आ रही थी अब इसमें प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, काफ़ी स्ट्रांग बॉडी में है और यहाँ पे बैटरी बैकअप भी अच्छा है। दूसरी अपडेट व्हाइट वाला की कि व्हाइट वाला अब मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पे काम करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल व्हाइट वाला मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में सपोर्ट करने वाला डिवाइस आ जाएगा तो मैं अवेलेबल करा लूँगा। अगर आपको चाहिए तो वो भी मेरे से आप ले सकते हैं। अभी मेरे पास D180 यानी कि ब्लैक वाला 50 डिवाइस अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अब आता है कि डिवाइस के साथ क्या क्या मिलने वाला है। तो डिवाइस के साथ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, ये जो एक माइक्रो एटीएम है ये आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ इसको चार्ज करने के लिए एक डाटा केबल मिलता है और एक यहाँ पर छोटा सा यूजर मैनुअल मिलता है ताकि आप इसको पढ़ के जानकारी ले सकें। आप इंडिया की कोई भी कोना से हो आप हमसे डिवाइस परचेज कर सकते हैं, कोरियर या फिर बाई पोस्ट के माध्यम से आपके एड्रेस पर घर तक पहुँचा दिया जाएगा। अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की CSP ID या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ID लेना चाहते हैं तो मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। CSP ID यानी कि मर्चेंट ID की बात करें तो मात्र आपको 699 रुपये में मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर ID की बात करें तो 4999 रुपये में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं।